गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे ऊर्जा प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है, यानी कि हम जो भी भोजन खाते हैं, जो हमें शरीर को ऊर्जा मिलती है, वो हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ जो है वो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट, मीनिंग दे आर वन ऑफ थ्री मेन्स वेयर द बॉडी ऑब्टेन एनर्जी और कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट आर द शुगर, स्टार्च एंड फाइबर फाउंड इन फ्रूट, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क प्रोडक्ट। द रिकमेंडेड डेली अमाउंट RDA ऑफ कार्बोज फॉर अडल्ट इज 135 ग्राम अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। कार्बोज इनटेक फॉर मोस्ट पीपल शुड बी बिटवीन 45% एंड 65% ऑफ टोटल कैलोरी। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इक्वल अबाउट 4 कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत है। ये कार्बोहाइड्रेट शुगर्स कहलाते हैं, जो कि स्टार्च, फाइबर जो होते हैं फ्रूट और साबुत अनाज, वेजिटेबल्स और मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 135 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना आवश्यक होता है। हमारे भोजन का, साधारण व्यक्ति के भोजन में 45 से लेकर 65% जो भाग होता है उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इक्वल अबाउट 4 कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने से 4 किलो कैलोरी हमारे शरीर को प्राप्त होती है। कार्बोज प्राप्ति के मुख्य स्रोत वनस्पति जगत हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोज का निर्माण करते हैं। कार्बोज जो है एक यौगिक है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं। जब कार्बोज के अणु में शर्करा की एक इकाई होती है तो ये मिलकर एक मोनोसैकेराइड्स का निर्माण करते हैं। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। गुड कार्बोहाइड्रेट्स आर लो और मॉडरेट इन कैलोरी, हाई इन न्यूट्रिएंट, डिवाइड ऑफ रिफाइंड शुगर एंड रिफाइंड ग्रेन्स, हाई इन नेचुरली अकरिंग फाइबर, लो इन सोडियम, लो इन सैचुरेटेड फैट, वेरी लो इन और डिवाइड ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रांस फैट। अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट इज मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स का मतलब जिसमें शर्करा का केवल एक ही अणु पाया जाता है। ये कार्बोज की सबसे सरलतम रूप होता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मोनो प्लस सैकेराइड्स। मोनो का अर्थ होता है एक तथा सैकेराइड्स का अर्थ होता है शर्करा, यानी कि शर्करा का एक अणु, ये कहलाता है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड्स को फिर 3 भागों में बांटा गया है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज ये शर्करा का सबसे सरलतम रूप है, इसे हम ग्रेप्स शुगर भी कहते हैं या अंगूर शर्करा भी कहते हैं इसको। फ्रक्टोज यानी कि ये हनी और फ्रूट्स में पाया जाता है, जितने भी फ्रूट्स होते हैं और शहद के अंदर फ्रक्टोज पाया जाता है। गैलेक्टोज व्हेन मिल्क इज डाइजेस्टेड, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जब डाइजेस्ट हो जाते हैं तब हमें गैलेक्टोज प्राप्त होता है। ये पाचन, लैक्टोज के पाचन से इसका निर्माण होता है। ये पेड़ पौधों में अनुपस्थित रहता है। सेकंड है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स मीन्स जब मोनोसैकेराइड्स के 2 अणु आपस में क्रिया करके कंबाइंड होते हैं तब ये कहलाते हैं डाइसैकेराइड्स, यानी कि इसमें मोनोसैकेराइड्स के 2 अणु होते हैं। मोनोसैकेराइड्स 2 मिलकर डाइसैकेराइड्स का निर्माण करते हैं। इसको भी अगर हम 3 भागों में बांट सकते हैं, फर्स्ट इज सुक्रोज, सेकंड इज माल्टोज एंड लैक्टोज। सुक्रोज होता है पाचन के बाद एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज में डिवाइड हो जाता है। इसे गन्ना तथा चुकंदर की शर्करा भी कहते हैं। सुक्रोज को हम केन शुगर के नाम से भी जाना जाता है। चुकंदर, गन्ना, ताड़, पके फल, किशमिश आदि जो होते हैं इसके सबसे अच्छे प्राप्ति के साधन होते हैं। फिर है माल्टोज। माल्टोज जो होता है ये साबुत अनाजों में पाया जाता है, जैसे कि अंकुरित जो अनाज होते हैं, जो होते हैं और जो से संबंधित जितने भी उत्पाद होते हैं उसके अंदर माल्टोज सबसे अधिक पाया जाता है। ये टूटने के बाद 2 अणु ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। स्टार्च एंजाइम के प्रभाव से माल्टोज में बदल जाता है। फिर है लैक्टोज। लैक्टोज जो होती है इसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं, दूध शर्करा, इसको हिंदी में कहते हैं दुग्ध शर्करा। ये दूध प्राप्ति के सबसे उत्तम साधन है। ये पानी में जल्दी से नहीं घुलते हैं। जितने भी दूध और दूध से बने जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसके अंदर लैक्टोज पाया जाता है और इसे दूध शर्करा भी कहते हैं। थर्ड इज पॉलीसैकेराइड्स।
पॉलीसेक्राइड्स, इसमें सरल शर्करा के अनेक अणु होते हैं, यानी कि मोनोसेक्राइड्स में क्या था, शर्करा का एक ही अणु था। डाइसेक्राइड्स के अंदर मोनोसेक्राइड्स के दो अणु थे। पॉलीसेक्राइड्स के अंदर क्या होता है, मोनोसेक्राइड्स के अनेक अणु, यानी कि दो से ज़्यादा मिलकर पॉलीसेक्राइड्स का निर्माण करते हैं। पॉलीसेक्राइड्स के अंदर आता है फर्स्ट इज, सबसे पहला आता है इसमें स्टार्च। ये जल में अघुलनशील होता है, पेड़ पौधे की बीज एवं जड़ों में सर्वाधिक पाया जाता है, ऊर्जा प्राप्ति का सबसे प्रमुख साधन है और ये ठंडे पानी में अघुलनशील होता है, लेकिन गर्म पानी में ये जेली का निर्माण करता है। ये जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और सीरियल्स होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। फिर है इसमें आता है पेक्टिन। पेक्टिन जानवर एवं वनस्पति जगत से प्राप्त होता है, इसका पौष्टिक मूल्य कम होता है, जैम और जेली के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, फल एवं सब्जियों के छिलकों के नीचे उपस्थित होता है। फिर है सेल्युलोज। सेल्युलोज अनाज एवं दाल के छिलकों में सर्वाधिक पाया जाता है, इसका कैलोरी मूल्य शून्य होता है, ये डाइजेस्टिव नहीं होता है, लेकिन ये आंतों की क्रमांकुंचन गति में सहायक होता है और आंतों के स्वास्थ्य के लिए इसको लाभदायक माना गया है। फिर है ग्लाइकोजन। ये जंतुओं व मनुष्य के यकृत एवं मांसपेशियों में पाया जाता है, इसको जंतु कार्बोज भी कहते हैं और ये टूटकर ग्लूकोज में बदल जाता है। अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस, इसके क्या क्या कार्य हैं कार्बोहाइड्रेट के। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी इज टू सप्लाई एनर्जी। ईच ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट एज स्टार्च और शुगर प्रोवाइड 4 kcal। द ब्रेन एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर डिपेंडेंट ऑन द कंस्टेंट सप्लाई ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड टू मीट देयर एनर्जी नीड। कार्बोहाइड्रेट एक्ट ऑल्सो एज रिजर्व फ्यूल सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन मसल्स एंड लिवर। द टोटल अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन इन द बॉडी इज ओवर 300 ग्राम, बट इट मस्ट टू बी मेंटेन बाय रेगुलर इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एट फ्रीक्वेंट इंटरवल सो दैट द ब्रेकडाउन ऑफ फैट एंड द प्रोटीन टिश्यूज इज प्रिवेंटेड। कार्बोहाइड्रेट सब अदर स्पेशल फंक्शन इन द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड केमिकल फ्रेमवर्क विच कंबाइन विद द नाइट्रोजन टू सिंथेसाइज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड इन द बॉडी। अगर इसका हम कार्यों की तरफ देखते हैं तो इसका प्रमुख कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। ये शरीर की गतिविधियों को संचालित करता है और विभिन्न कार्यों को संपादन करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 kcal ऊर्जा हमको मिलती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो पाचन क्रिया के उपरांत स्टार्च ग्लूकोज में टूट जाता है और ये ग्लूकोज रक्त वाहिनियों द्वारा अवशोषित कर ले जाते हैं। जब रक्त में ग्लूकोज ग्रहण करने की एक सीमित क्षमता होती है, यानी कि हम देखते हैं ना 80 mg से पर 100 ml रक्त में रहता है। यदि रक्त में अगर इसकी मात्रा अगर बढ़ जाती है तो ये क्या होता है, यकृत और मांसपेशियों में जमा हो जाता है और ये जमा होने के बाद में मांसपेशियों में 200 से 250 ग्राम तक ग्लूकोज जमा हो जाता है। जब किसी दिन हमें भोजन नहीं मिलता है, जैसे यह हम कहते हैं ना उपवास वगैरह करते हैं, तब यकृत का जो ग्लाइकोजन होता है वो ग्लूकोज में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जब यकृत में संग्रहित ग्लाइकोजन समाप्त हो जाता है तो मांसपेशियों में संग्रहित ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाता है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। इसी तरह ये मस्तिष्क और नाड़ी संस्थान के लिए भी ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है और इसमें मस्तिष्क और नाड़ी संस्थान में ग्लूकोज का होना अत्यंत ही आवश्यक है, इसके बिना इनके कार्यों में रुकावट आती है। सेकेंड, ये क्या करता है, रिजर्व फ्यूल सप्लाई, यानी कि ये ऊर्जा देने के लिए रिजर्व के रूप में काम करता है। ये प्रोटीन की बचत भी करता है। जब भी हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हमारी यकृत और मांसपेशियों में जो ऊर्जा है वो शरीर में ऊर्जा देने का काम जो ग्लूकोज इकट्ठा हो जाता है वो एनर्जी देने का काम करता है। लैक्टोज द मिल्क शुगर प्रोवाइड गैलेक्टोज नीडेड टू ब्रेन डेवलपमेंट। इट एड्स अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस दस हेल्पिंग बोन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। लैक्टोज, जिसको कि हम दूध शर्करा भी कहते हैं, ये हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अत्यंत आवश्यक है और ये कैल्शियम और फॉस्फोरस के अवशोषण में भी सहायता करता है। साथ ही हड्डियों की ग्रोथ और मेंटेनेंस में भी, टूट फूट की मरम्मत भी करता है, साथ ही इनकी ग्रोथ में भी अनिवार्य होता है। लैक्टोज फ्रॉम लैक्टिक एसिड इन द इंस्टेंटाइल ट्रैक ड्यू टू द एक्शन ऑफ द बैक्टीरियल। कार्बोहाइड्रेट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सम कंपाउंड्स विच इंक्रीज और रेजिडेंस ऑफ इन्फेक्शंस
ये हमारे इन्फेक्शन से बचाता है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करता है, पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने का काम करता है, विटामिन बी समूह के संश्लेषण में भी उपयोगी होता है। इसके अलावा ये विषाक्त पदार्थों को हानि रहित बनाता है। कार्बोज कुछ विषाक्त पदार्थों को बिल्कुल हानि रहित बना देता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि पाचन क्रिया के दौरान ग्लाइक्रोनिक अम्ल बनता है, ये अम्ल विषाक्त होता है। इस अम्ल को कार्बोज फिनोलिक हाइड्रोक्सिल समूह के साथ मिला देता है, जिससे कि इसका जो विषैला प्रभाव होता है वो नष्ट हो जाता है। यकृत को स्वस्थ बनाए रखने में भी कार्बोज की अहम भूमिका होती है। यकृत विषैले तथा हानिकारक जीवाणुओं का नाश करके ग्लाइकोजन की उपस्थिति में ही रहता है। ये यकृत में ग्लाइकोजन की भरपूर मात्रा नहीं होती तो विषैले पदार्थ हानिकारक जीवाणु तथा जैविक अंगों के मुख्य तंतु तक पहुंचकर उन्हें क्षतिग्रस्त बना देते हैं, फलतः व्यक्ति रोगी हो जाता है। इसलिए यकृत में उच्च ग्लाइकोजन स्तर को बनाए रखने के लिए ये बहुत ही अत्यंत आवश्यक होता है। इसके अलावा ये नर्वस सिस्टम को भी स्वस्थ बनाए रखने का काम करता है। केंद्रीय नाड़ी संस्थान तथा मस्तिष्क को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ग्लूकोज नितांत जरूरी है। हर सेकंड मस्तिष्क से नाड़ियों के ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है। कुछ क्षण के लिए भी अगर इनकी मात्रा वहाँ तक नहीं पहुँचती है तो इनके जो नर्व सिस्टम होता है उसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई देने पड़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फूड सोर्स, ये हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है। फूड सोर्स कार्बोहाइड्रेट आर सिंथेसाइज बाई प्लांट एंड अकर इन सर्वल फॉर्म्स। ये इसका मुख्य जो स्रोत है वो वनस्पति जगत ही है। स्टार्च इज फाउंड इन प्लांट सीड्स सीरियल्स एंड लेग्यूम्स रूट्स एंड ट्यूबर्स। दिस फूड्स आर द प्राइमरी एनर्जी सोर्स इन द ह्यूमन डाइटरी। स्टार्च जो कि प्लांट सीड्स में पाया जाता है, रूट्स और ट्यूबर्स में पाया जाता है, और ये एनर्जी देने का सबसे प्रमुख साधन है जो कि हमारे भोजन में पाया जाता है। पटेटोस याम्स स्टैक्स फूड आर फूड गुड सोर्स ऑफ स्टार्च इन द डाइट। स्टार्च के जो मुख्य स्रोत हैं वो है पटेटोस याम्स और जैक फ्रूट। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रोवाइड डाइट्री फाइबर्स मिनरल्स एंड विटामिन। जितने भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं ये हमें डाइट्री फाइबर यानी कि रेशे देने का काम करते हैं, साथ ही इनके अंदर मिनरल्स और विटामिन की मात्रा भी भरपूर पाई जाती है। मिल्क इज़ द ओनली एनिमल फूड विच इज़ सोर्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट शुगर लैक्टोज इन द डाइट। मिल्क सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि जंतु जगत से प्राप्त होता है, लेकिन ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इसमें क्योंकि इसके अंदर लैक्टोज पाया जाता है। शुगर आर फाउंड इन फ्रूट। फ्रूट्स आर इन एक्सेलेंट स्नैक्स फूड एज दे आर डाइल्यूट सोर्स ऑफ क्यूक एनर्जी एंड अदर न्यूट्रिएंट। शुगर जो होता है फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है और ये हमारे भोजन के अंदर एनर्जी देने और अदर न्यूट्रिएंट देने का सबसे डाइल्यूट सोर्स होता है और सबसे एक्सेलेंट स्नैक माना जाता है। शुगर फाउंड इन द प्लांट से पर जूस शुगर कैन एंड बीटरूट इज एक्सट्रैक्ट टू गिव प्योर 100% शुगर। इट मस्ट बी यूज जुडिशली एट इज प्रोवाइड ओनली एनर्जी। शुगर जो होती है शुगर केन और बीटरूट के जूस में भी पाया जाता है, इसमें 100% प्योर जूस होता है जिससे कि हमें शुगर मिलती है और ये एनर्जी देने का काम करती है। देन टेक अ फूड हाई इन एडेड शुगर सच एज सॉफ्ट ड्रिंक्स सिरप एंड स्वीट नीड्स टू बी कंट्रोल टू अवॉइड ओबेसिटी। इसके अलावा भी हम इसको अलग से अगर लेना चाहें तो भी ये नुकसानदायक होती है क्योंकि ये ओबेसिटी को बढ़ाती है। Thank you.